महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता और आयुक्त प्रकाश सर्वे तथा अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में महापौर परिषद की बैठक MIC कक्ष में संपन्न हुई। शहर के हित में महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले परिषद ने बैठक में लिए। महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। निगम क्षेत्र के विकसित खेल मैदानों में समर कैंप आयोजित होंगे। नेहरू नगर के कई क्षेत्रों में सड़कों का नवीनीकरण होगा। उद्यानों में रख रखाव की जिम्मेदारी किसी संस्था या व्यक्तिगत तौर पर दिए जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही 80 लाख की लागत से सेक्टर 2 तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों का नवीनीकरण कार्य किया जाना है। KPS चौक से सूर्यमल चौक एवं सूर्य विहार कॉलोनी तक डामरीकृत किए गए मार्गों का नवीनीकरण किए जाने का प्रस्ताव महापौर परिषद में लाया गया था, जिस प्रस्ताव को महापौर परिषद ने पारित कर दिया। वहीं वार्ड क्रमांक 17 नेहरू भवन रोड में डामरीकरण कार्य के लिए भी MIC ने मंजूरी दे दी है। वार्ड क्रमांक 7 राधिका नगर में CC रोड निर्माण किया जाएगा। ऐसे कई कार्यों के साथ महापौर परिषद की बैठक में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान दिए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई, जिसकी जानकारी नगरपालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने न्यूज टीम को दी है। देखिए, MIC बैठक माननीय महापौर जी के अध्यक्षता में और आयुक्त महोदय की उपस्थिति में संपन्न हुई है और MIC में बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो हैं शहर के हित को देखते हुए लिए गए हैं, जिसमें शांति नगर दशहरा मैदान के खेल के उन्नयन का कार्य हो और वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत जो डामरीकरण हुआ है, जो सड़कें बनी हैं उसके नवीनीकरण का कार्य है। काफ़ी जो डिमांड आ रहे थे उन डिमांड को लेकर के सड़कों के नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको शासन को प्रेषित करने का फैसला महापौर परिषद ने किया है। इसके अलावा जो सेक्टर 2 तालाब है, जो छठ पर्व का आस्था का पर्व का जो तालाब है, उसके लिए उन्नयन कार्य के लिए, उनके सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 80 लाख का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया है और उस प्रस्ताव की मंजूरी महापौर परिषद ने दी है। इसके अलावा जो लोगों को रोजगार की दिशा में काम करने की बात हो, उसके लिए उद्यान के रखरखाव के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह को जोड़ते हुए और भी कोई जो अन्य होंगे आम नागरिक, उनको भी जोड़ते हुए उनको रोजगार देते हुए वहाँ पर उद्यान को मेंटेन करने का काम के लिए जो है नियम शर्तें तैयार की गई है। इसकी मंजूरी जो है माननीय महापौर के जो परिषद हैं उन्होंने दी है। इसके अतिरिक्त समर कैंप का आयोजन खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ये एक हमारे लिए जो हमारे दैनिक क्षेत्र हैं उसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें 2 साल से जो कोविड के कारण से खेल गतिविधियाँ जो प्रभावित हुई हैं, अब जो है वो खेल गतिविधियाँ फ्री कोचिंग के माध्यम से उनको मिल पाएंगी और खेल सुविधाओं को लेकर के जो खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा अवसर मिलेगा। बहुत सारे खेल विज्ञान जो हमारे यहाँ विकसित किए गए हैं उनमें अलग अलग खेल गतिविधियाँ संचालित होती हैं, उनके माध्यम से उनको बेहतर कोचिंग के माध्यम से उनको साल भर ट्रेनिंग देके जो सिलेक्शन होते हैं बच्चे, जो उनका प्रोसेस होता है 1st, 2nd, 3rd, इस प्रोसेस के आधार पर समर कैंप आयोजित होते हैं। इस बार हुई MIC की बैठक में सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि रोजगार देने के अवसरों पर भी ध्यान दिए गए हैं, जो कि वर्तमान महापौर नीरज पाल की कार्यकुशलता को बखूबी दर्शाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।